बजट जो है किसान के साथ एक बद्दा मजाक जिसको कह सकते हैं उस तरह से किया गया है। 6,000 रुपये 2 हेक्टेयर में ये कहा गया कि जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन होगी उसको हम 6,000 रुपया सालाना देंगे। सालाना 6,000 रुपये का मतलब है कि रोज का 17 रुपये। और अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो मान के चलो हर रोज का 3 रुपये। मतलब कोई किसान अगर लेबर करने जाएगा, दिहाड़ी पे जाए, मजदूरी करने जाए तो भी रोज के आजकल 200 से ज़्यादा रुपये मिलते हैं। किस तरह से केंद्र की सरकार ने किसान को तो अपमानित किया है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़ा, जिसके पास पहले से अथाह पैसा है, जिसने लाखों करोड़ रुपया लोन ले रखा है, जो पैसा देने में सक्षम है, जो कहीं सरकार का पैसा खाने के लिए अपनी यूनिट को सिक यूनिट साबित कर देते हैं, उसको फायदा पहुंचा दिया और किसान को कमजोर भी किया गया और साथ साथ उसके साथ बड़ा मजाक किया गया। 100% सरकार को चुनाव में इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा जिस भी चीज के संकेत देती है ना उसको पूरा नहीं करती, वो केवल लोगों को भ्रम में डालने का काम करती है। लोकसभा और विधानसभा साथ हो तो भी हमारा कार्यकर्ता जो है इस चुनाव के लिए तैयार है। हमने 6 तारीख को अपने प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में हम लोकसभा के चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। जहां लोकसभा के चुनाव पे तैयारी पर चर्चा करेंगे वहीं हम उनको ये इंडिकेट भी करेंगे साथ साथ भी विधानसभा का चुनाव भी साथ हो सकता है, उसके लिए भी कार्यकर्ता तैयार है। प्रजातंत्र है, हर आदमी को अधिकार है अपनी रैलियां करना, अपनी पार्टी के मीटिंग करना, ये उनका अपना फैसला है। वो कहाँ मीटिंग करते हैं, कहाँ रैली करते हैं, कहाँ वो अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाते हैं, उन्होंने देखना है। हमारा बादल साहब के परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन जहाँ तक प्रदेश के हितों का सवाल है 100% हमने उनसे स्पष्ट किया कि आपकी तो मजबूरी है क्योंकि आप अपने पंजाब के लोगों के बीच में आपकी पार्टी खड़ी है, लेकिन हम हरियाणा के हितों के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इसके लिए हमने उनसे राजनीतिक रिश्ते जो हमारे थे, आज कहीं राजनीतिक तौर पे हम अलग हैं लेकिन पारिवारिक तौर पे आज भी हम एक। 6 तारीख को हमने जो मीटिंग बुलाई है, मीटिंग इसीलिए बुलाई है कि जहाँ लोकसभा पे चर्चा करेंगे, जहाँ हम विधानसभा पे चर्चा करेंगे, वहीं उस रैली की भी तारीख तय करेंगे। रैली 100% होगी, आपको भी निमंत्रण होगा। ये सब चीजें आप लोग जो जिस तरह के सवाल पूछते हो फिर आप लोग चलाते हो, हमारे लिए तुम एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हो। हमारे जो विरोधी हैं वो फिर उसके लिए तरह तरह की दरखास्तें लिखते हैं, कोई हाई कोर्ट को लिखता है, कोई जेल के डीजी को लिखता है, कोई दिल्ली की सरकार को लिखता है। ये इस तरह के सवाल जो है आपको सोच के हमारे से पूछने चाहिए। हमारे पे बहुत सी कानूनन पाबंदियां हैं और आप ले दे के आपके पल्ले और कोई बात नहीं है, इसी पे आके खड़े हो जाते हो, चौटाला साहब आएंगे क्या।